या मेरे पजामा ही गिर रहा है। पीपीएफ की पतली वाली वो लगा दो, मैंने पहले किया है, मतलब सक्सेसफुल है। टोटी बातें करता रहता है तू भी। यार मैंने खाना खाया है और मेरा पजामा और गिर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोगों का टाइट हो जाता है। का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। सौरभ ने भी हमको बोला और बहुत लोगों ने भी बोला कि थोड़ा ओरिजिनलिटी रखो, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। पर हम जो अब इसका वीडियो रिलीज करेंगे तो हमारी कोशिश यह है कि इसके बम्पर्स ब्लैक करके दोनों फाइनल शॉट्स आपको दिखाएं फॉर ऑडियंस टू डिसाइड क्या अच्छा लग रहा है। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ ओरिजिनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपना अपना चॉइस है। इसका फ्यूल टैंक का इशू वैसे हमने रिजॉल्व कर दिया है। ये यहाँ से लेके ये पूरी लाइन, बस ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ऊपर का आएगा। ये मैं ग्लॉस ब्लैक सोच रहा था और एनीवेज गाड़ी पे देख स्क्रैचेस हैं, तो एक बार जैसे ये है अच्छे से मास्किंग करके बॉडी पे ही रखे रखे मार देते हैं उसको जो है। वर्कशॉप में इतनी गाड़ियां हैं ना और इतना सारा काम चलता रहता है ना कि बाकियों की गाड़ी के चक्कर में हमारी गाड़ी पीछे ही रह जाती है। अब वो गाड़ी हम लोग भी यूज करते हैं और ऑफिस के यूज में भी जाती है, तो क्या होता है छोटे छोटे पेंट डिफेक्ट्स आ ही जाते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ एक बार ये सुपर्ब रेडी होगी ना उसके बाद एक्सयूवी को भी फिनिश करेंगे, थोड़ा सा जो छोटे मोटे उस पर काम आ गए वो करेंगे। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि उसको हम डुअल टोन में फिनिश कर सकते हैं, ऊपर का पूरा सेक्शन जो है वो मेबैक जैसा ब्लैक कर सकते हैं। मेरे ख्याल दो दिन जाएगा उसका, क्या है गाड़ी का इतना अच्छे से ये ऑरेंज रेडी होगी ना तो गाड़ी का अच्छे से फोटोशूट करेंगे। इसमें टाइम तो जाएगा, जो हम प्रॉपरली करते हैं डुअल टोन करना है, ये चारों डोर खुलेंगे, यहाँ पे बस एक मास्किंग करना है, ये यहाँ पे पूरा अंदर आता है, ठीक है चलेगा। अब वो काम हम रैप में करेंगे या पेंट जॉब में करेंगे वो टाइम के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि दोनों के अपने कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, पर कुछ करना तो है उस गाड़ी पे। नहीं वो तो ओके, वैसे भी हमको ये मारना है बोल रहे हो ना। हाँ। तो मिरर निकाल देंगे और ये डोर भी मार देंगे, ठीक है, तीन चार दिन जो भी जाएगा पर कर देते, इसको भी रेडी हो जाएगा सब। और बाकी स्पॉट रिपेयर्स आएंगे, ग्लॉस ब्लैक, हाँ ग्लॉस ब्लैक, प्लेन ब्लैक, ये जो ये लगा हुआ है बहुत लुक चेंज हो जाएगा, एग्रेसिव लगेगी, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये पूरा ग्रिल ले देंगे ना ग्लॉस ब्लैक, ऐसे पूरा नीचे आते हुए ऐसे आ जाएगा। हाँ ग्रिल ब्लैक ले सकता है, एक्चुअली नहीं भी लिया तो भी बुरा नहीं लगेगा। बाकी ये जो बम्पर वम्पर घसा है उसको स्पॉट पे वहीं पे मार देंगे। तेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ खर्चा है क्या, और अगर वेयरहाउस बना बनाया रहेगा तो पार्ट्स वगैरह रखने के लिए जैसे वो रैक्स वगैरह है वो तो बड़ा ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा गाड़ियां बढ़ानी है और सब चीजें करनी है, स्पेयर पार्ट रैक्स हो गया, बेसिकली स्टोर रूम हो गया, टूल्स एंड इक्विपमेंट बेसिक, पर ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोगों के पास जिस तरीके से काम आ रहा है हमको ये जगह बहुत छोटी पड़ रही है, हम लोगों को कस्टमर्स को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, एंड किसी भी बिजनेस के लिए उससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट अकोमोडेट। हम लोग सोच रहे हैं इज इट फीजिबल फॉर अस कि हम लोग ये वर्कशॉप को अभी के लिए यहाँ पर कंटिन्यू करें एंड विद टाइम हम लोग एक बड़ी जगह ले ले जहाँ पर हमारा सारा मेजर काम हम लोग करने लगे। कुछ दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ियां रोड तक पूरी भरी हुई हैं, कई कस्टमर्स को अभी हम जूम के अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतनी देर कौन वेट करेगा। हो रहा था क्या तू अभी, तुमने तो जाना है 11 बजे। अच्छा सुन ना, तेरे से 2 मिनट का काम था, आई नो अभी जस्ट उठा है पर एक बात मेरी सुन ले। मैं और गणेश अभी बात कर रहे थे कि हम लोग अगर जब देख ही रहे हैं कि दूसरी जगह कुछ करनी है तो क्यों ना हम पूरा का पूरा सेटअप विद टाइम वहीं पे शिफ्ट कर दें, एक ही जगह देखे बड़े साइज की जहां पर अगले 3-4 साल हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो काम अकोमोडेट करने में, क्योंकि रेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सारा मेजोरिटी टूल्स इक्विपमेंट हर चीज है, तो हमारे लिए ये ट्रांजिशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड बट उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जिस तरीके का काम हम ले पाएंगे। अभी हमारे पास 2 अल्टरनेट है, अगर हमको ये प्रॉब्लम हो ही रही है तो एक या तो हम बैकएंड वर्कशॉप बनाएं कि जहां पर कस्टमर का जाना वाना कुछ नहीं होगा, गाड़ी यहीं पर रिसीव होगी, यहां से एक बार सीधा चली जाएगी, वहां पर सारा हमारा काम हो जाएगा और गाड़ी हम वापस ले आएंगे। दूसरा ये है कि हम पूरा का पूरा टीम लेके हम सोचे कि हम बड़ी जगह पे मूव ऑन करें, तो जगह मिलने पे अभी डिपेंड करेगा। लगता है हमने ये पेस्ट कंट्रोल किया ना वर्कशॉप के, सारे मच्छर यहीं आ गए, देखना
हाँ। सोचना अगर हम ये पेंट बूथ कोटिंग नहीं लगाते रेगुलरली ये सारे इधर होते, बीच में एक ऑरेंज कलर में एक मच्छर ऐसे पड़ा हुआ था। अरे रुक जा बाहर आने दे। क्या कर रहे हो? लेकिन हम कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी खेलने के लिए हेडलाइट निकाल रहे हो? तो ऑक्टाविया में सीन ऐसा है कि ये जो इसके नीचे के DRL टाइप फिनिश है सारी, यहाँ के थ्रू लाइट पास नहीं कर रही है और ये एक जनरल प्रॉब्लम है, पीला पड़ के खराब हो जाता है और ये वाली लाइट भी ठीक से नहीं जल रही। तो हम अभी इस पे चेंज कर रहे हैं, एक इसका प्रोजेक्टर और एक ही अंदर की पूरी लाइट, ताकि इसका थ्रो बेटर हो सके और इसका थ्रो बेटर हो सके। मैं गाड़ी जब रोड पे चलाता हूँ ना, मेरे को हमेशा एक इसका वीक पॉइंट लगा है कि इसकी थ्रो उतनी पावरफुल नहीं है। इवन तो हमने एक बल्ब भी चेंज करके देखा था तो भी उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, अच्छा रिस्पॉन्स था बट एक्सट्रीम नहीं थी। अभी जो हम चेंज कर रहे हैं वो लेजर प्रोजेक्टर्स है और उसके बाद इसका थ्रो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अभी जैसा दिख रहा है ना वैसा दिखेगा नहीं। तो अभी के लिए जो है वो टेस्टिंग चल रहा है और ये प्रोडक्ट अगर हमारी गाड़ी में अच्छा सक्सेसफुल होता है तो हम फिर इसे कस्टमर्स के लिए भी लेके आएंगे। लग तो प्यारी रही है। नहीं अभी हाईवे पे ना इसका टेस्ट करेंगे थ्रो, काफी फर्क लग रहा है मेरे को इनिशियली तो, पर क्या है ना पुराना वाला वीडियो नहीं है तो थोड़ा सा ना वो ऐसा लगता है हाँ यार इतनी तो मुझे आदत है, पर एक्चुअली होती नहीं है। और काफी क्लीन भी हो गई हेडलाइट, अच्छा वर्क कर ली। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करते रहेंगे, है ना। रेनबो इफेक्ट है इसमें, 140 इफेक्ट है अलग अलग कलर्स में, शूटिंग स्टार्स रेनबो, एक्चुअली अच्छी लग रही है। हम एक खुफिया डिस्कशन करने जा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है तुम्हें? मैं नहीं पता। पता तुम्हें नहीं? फ्री हो दो मिनट। हाँ बोला। मेरे को ये प्लान डिस्कस करना था, बोला आपको एक बार दिखा दूँ फाइनल वर्किंग जो किया है। इस तरफ से रोड जा रही है, ये है पूरा प्लॉट, रैंप मैंने ऐसा सोचा है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे जब उनसे बात करेंगे उसके बाद। तो वॉशिंग, टूपर्स लिफ्ट और प्राइमर थोड़ा सा छोटा कर दिया, बेसवर्क की जगह यहाँ निकाल दिया। इन स्पेसेस को भी थोड़ा सा, एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, चार वॉल, हाँ ये पांच वॉल, हाँ ये बॉक्स पूरा वॉल, हाँ और ये सारा इधर भी वॉल में सारा ये भी आएगा। हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे एक वर्कशॉप का लेआउट। हमारे ये करंट वर्कशॉप जो कि बड़गांव शेरी पुणे में लोकेटेड है, ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, स्पेशली जब हमारे वॉकिंग्स आते हैं, दिन के ऑलमोस्ट 40 से 50 वॉकिंग आ जाते हैं। हमारी जो बुकिंग्स होती है वो काफी डिले होने लगती है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड है काम से। हम हड़बड़ी नहीं करते इस चीज में कि और काम ले ले, क्योंकि हम क्वालिटी ड्रिवन है तो हम उस चीज का फायदा नहीं उठाते कि ज्यादा लोग आ रहे हैं तो और काम फिर खींच लो, इसी जगह में मैनेज कर लेंगे, बाहर पार्क करके रख दो, ऐसा कुछ वी डोंट डू दैट। तो नाउ वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन कि हम एक एक्सटेंडेड वर्कशॉप यही पास में ही, तो सेम सेटअप जो है सब चीजें वहाँ पे रहेंगी। हमारी टीम के ऑलमोस्ट 15 से 20 जने वहाँ रहेंगे। हमें ऑलमोस्ट जगह मिल गई है फाइनल स्टेजेस में, जो हम क्लोज कर देंगे इन द कमिंग वीक और सो। एक्साइटेड? यस। कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, वर्किंग हो गई है, देखते हैं जाके जो ओनर है वहाँ के से बात बात करेंगे, जगह फाइनल करेंगे, होपफुली सब अच्छा हो जाए यार, ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। इतना लॉस हो रहा है हमारी टीम, एक डेढ़ घंटा टाइम निकल जाता है सबको। आज इस हिसाब से जाना पड़ रहा है जैसे कि क्या ही बोले अभी। ब्लॉग की एंडिंग दे दो। ब्लॉग की एंडिंग ये देखो, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।